मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना इंतखाबात से कबल एक अहम फैसला करते हुए रायतु बंधु स्कीम की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवाने के लिए दी गई इजाज़त से दस्तबरदारी इख्तियार की है, जिसकी इजाज़त दो दिन पहले कमीशन ने दी थी। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इंतखाबी इदारे का यह फैसला एक ऐसे वक्त सामने आया है जब एक रियासती वजीर ने इस स्कीम के बारे में खुलेआम ऐलान करते हुए इंतखाबी ज़ाब्ते अख़लाक़ की खिलाफ वर्जी की। इंतखाबी इदारे ने कबल अज़ीं अपने हुक्काम में तेलंगाना हुकूमत को रौबे की फसल के लिए इस माह की 28 तारीख से पहले रैतु बंधु स्कीम की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवाने की इजाज़त दी थी। ताहम हुकूमत को यह भी कमीशन ने हिदायत दी थी कि इसकी तशहीर ना करें, क्योंकि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अख़लाक़ नाफिज़ है। इलेक्शन कमीशन ने रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अपने फैसले से वाकिफ़ करवाया। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व जगतियाल हलके के कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने बॉन्ड पेपर पर लिखकर आवाम को इंतखाबी वादों को पूरा करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तदार आने के बाद आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह हलके की तरक्की के लिए अपने आप को पूरी तरह वक्फ कर देंगे, आवाम के लिए हर वक्त दस्तियाब रहेंगे और उनके तमाम मसाइल हल करेंगे। बीआरएस के अखिलेती कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने रियासत के मुसलमानों को कांग्रेस से चौकस रहने का मशवरा दिया। जड़चल्ला में अखिलेतों के इजलास से खिताब करते हुए अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आरएसएस के एजेंट शामिल हो गए हैं और वो मुसलमानों के साथ झूठी हमदर्दी बताकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान हरगिज कांग्रेस के झांसे में न आए और अपना एक एक वोट बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार को देते हुए तेलंगाना में अमन अमान बरकरार रखने और रियासत के मुसलमानों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए केसीआर हुकूमत को तआवुन करें। शरदराबाद में पेश आए एक और वाक़े में आवारा कुत्तों के हमले में एक 6 साल लड़का हो गया शदीद ज़ख्मी। वो इस वक्त अस्पताल में तेरे इलाज हैं। ये वाक़ा नंदी मुसलाई गुड़ा बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। हमले के बाद लड़के को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मीडिया से बात करते हुए बहादुरपुरा SHO डी अनिल कुमार ने तस्दीक की है कि यह वाक़ा इतवार की शाम पेश आया और लड़का हैदराबाद के नीलेफर अस्पताल में तेरे इलाज है और उसकी हालत अब मुस्तहकम है। बीजेपी की सीनियर लीडर उमा भारती मध्य प्रदेश की अपनी ही हुकूमत से है नाराज, शिवराज हुकूमत पर लगाया निशाना। साबिक वज़ीर-ए-आला कमलनाथ के शदीद रद्दअमल के बाद बीजेपी लीडर और साबिक वज़ीर-ए-आला उमा भारती ने भी हुकूमत पर शदीद निशाना लगाया और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। दरअसल उमा भारती ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में रेत माफिया के हाथों पटवारी के कत्ल को हुक्मरानी बदनुमा दाग करार दिया। इस वाक़े पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए उमा भारती ने मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। PCC चीफ और साबिक वज़ीर-ए-आला कमलनाथ ने भी कहा कि रियासत में शिवराज हुकूमत के दौरान पनपने वाली बदनवानी और घोटालों की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में मौलिक असम्बली के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस दो तिहाई अक्सरियत के साथ अपने तौर पर हुकूमत बनाएगी। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि आवाम BRS को हटाना चाहते हैं, आवाम ने तब्दीली के लिए जहन बना लिया है। ये कहते हुए कि रियासत के अवाम की मुकम्मल हिमायत कांग्रेस को हासिल है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की तरह यहाँ पर भी कांग्रेस अपनी जमानतों को पूरा करेगी। गुजरात में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में गैर मौसमी बारिश के दौरान बिजली गिरने से 23 अफराद हलाक और 25 दीगर जख्मी हो गए। रियासती डिजास्टर कंट्रोल के डायरेक्टर CP पटेल ने कहा कि रियासत में गैर मौसमी मूसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरने से 23 अफराद की मौत हो गई है और मुतादी जख्मी हैं। इस दौरान रियासत में 71 जानवर भी हलाक हुए हैं। गुजरात के अमरेली, सुरेंद्रनगर, महसना, बोटाड, पंचमहल, खेड़ा, सबरकंठा, सूरत और अहमदाबाद अजला शदीद बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। अमेरिका के वॉरमोंट में 3 फलस्तीनी कॉलेज तलबा को गोली मार दी गई। इतलात के मुताबिक इतवार को एक सफ़ेद फाम शख्स ने फलस्तीनी तलबा पर फायरिंग की और फरार हो गया। गोली लगने से जख्मी होने वाले तलबा में से 2 की हालत मुस्तहकम और 1 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिसका इलाज है जारी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने अपने वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी को मौलवी अब्दुल कबीर की जगह नायब वजीर आजम का ओहदा भी दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत के नायब वजीर आजम मौलवी अब्दुल कबीर आखिरी बार 4 सितंबर को मंजराम पर देखे गए थे, जब उन्होंने काबुल में तुर्क सफीर से मुलाकात की थी। उसके बाद से नायब वजीर आजम मौलवी अब्दुल कबीर ने मौसमियाती तब्दीली, योम असातिदा
कोच तपा केनाल की इफ्तिताह और पुलिस ग्रेजुएशन की तकरीब समेत किसी भी काबीना इजलास में शिरकत नहीं की थी और ना ही उन्हें किसी आवामी मकाम पर देखा गया था। जब उनकी गैरहाजिरी पर सवाल उठाए गए तो जवाब में डिप्टी पीएम ऑफिस में मीडिया डायरेक्टोरेट के सरबराह हसन हकियार ने बताया था कि नायब वजीर आजम बीमार थे और सेहतियाब हो चुके हैं और जल्द हुकूमती सरगर्मियां शुरू कर देंगे। ताहम अब तालिबान हुकूमत के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया है कि नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल कबीर 3 माह अलालत के बाद जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी आर्जी तौर पर नायब वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेंगे। टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO इलॉन मस्क पीर को इसराइल का दौरा कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक अरबपति अमरीकी इलॉन मस्क आज पीर को इसराइल में इसराइली सदर इसहाक हरतोजक से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो गाजा में जेरह हिरासत कैदियों के रिश्तेदारों से भी मुलाकात करेंगे। इसराइली सदर के दफ्तर ने इतवार की शाम इस मुलाकात का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी मुलाकात के दौरान सदर इंटरनेट पर यहूद दुश्मनी के बढ़ते लहर का मुकाबला करने के लिए मौसर हिकमत अमली पर जोर देंगे।